विपक्षी दल के सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या को लेकर राज्यसभा में भारी शोरगुल और हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जेडीयू के शरद यादव ने शून्यकाल के दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या को उठाते हुए कहा कि अब ये विकट समस्या हो गई है। कांग्रेस के आनंद शर्मा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने भी बेरोजगारी को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि रोजगार पाने योग्य लोगों में से केवल 1% को ही ये अवसर मिल पाता है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मित्रों में हताशा और निराशा है तो उसका इलाज नहीं कर सकते। मायावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार को बिहार के सीमावर्ती बक्सर जिले से गिरफ्तार किया। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह को गुरुवार को हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दयाशंकर सिंह को बक्सर के शुगर मिल कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। वे अपने एक परिजन के यहाँ छुपे हुए थे। सोमवार को ही लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुड़गांव में जाम के बीच सियासत का संग्राम शुरू हो गया है। संग्राम की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाम की समस्या से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। यही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि इस जाम के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। अभी इसे लेकर खलबली मची ही थी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखने से विकास नहीं होता। विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन पर अमल करना जरूरी होता है। जुमलुम से जाम नहीं खुलेगा। इसके बाद तो गुरुग्राम को लेकर घमासान ही मच गया। इस पर लोगों ने इतनी चर्चा की कि गुरुग्राम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। किसी ने इसे गुरु जाम कह दिया तो कोई बीजेपी सरकार की खिंचाई करने लगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दखल के बाद इंडोनेशिया में मादक पदार्थ मामले में भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह को मौत की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है। गुरदीप सिंह के परिवार वालों को शुक्रवार को इंडोनेशिया से फोन आया, जिसके बाद उसके घर के सदस्य खुश हैं। खबर मिलने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। सुषमा ने ट्वीट किया, इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने मुझे सूचना दी है कि गुरदीप सिंह को मौत की सजा नहीं दी गई है, जिसकी मौत की सजा बीती रात के लिए तय थी। 48 वर्षीय सिंह का नाम उन 10 दोषियों की सूची में था जिन्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन मौत की सजा नहीं दी गई। इंडोनेशिया की एक अदालत ने उसे 300 ग्राम हीरोइन तस्करी करने के प्रयास का दोषी पाया था और उसे 2005 में मौत की सजा सुनाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर से समन जारी किया है। उन्हें 9 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि ईडी ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे 9 अगस्त को उनसे सिर्फ पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी नहीं करेगी। निदेशालय ने बताया कि वे प्रतिभा सिंह के सवालों के जवाब पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को देगी। अगर वीरभद्र सिंह या उनकी पत्नी ने ईडी के सवालों के जवाब और जांच में सहयोग नहीं किया तो इसकी रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में सौंपी जाएगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने हाई कोर्ट को बताया है कि इस मामले में LIC एजेंट आनंद चौहान ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी की जुड़ी कई बातों का खुलासा किया है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने चचेरे भाई व शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से मिलने बांद्रा स्थित उनके घर मातोश्री पहुंचे। दोनों के बीच ये मुलाकात 90 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच आगामी नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर भी बात हुई। बीजेपी और शिवसेना हालांकि करीब 2 दशक से सहयोगी रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार और यहां तक कि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार के साथ भी शिवसेना की आए दिन तनातनी देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से तो दोनों दलों के बीच एक तरह के शीत युद्ध की ही स्थिति देखने को मिल रही है। अध्यात्म की इस प्राचीन पद्धति के लिए केजरीवाल 30 जुलाई को नागपुर के अध्यात्म केंद्र में दाखिला लेंगे, जहां किसी तरह के अखबार, टीवी या मीडिया के संपर्क में नहीं रहेंगे।
इस दौरान सरकार का कामकाज डिप्टी सीनियर मनीष सिसोदिया संभालेंगे। गौरतलब है कि 2014 में लोकसभा चुनाव अभियान के वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने इस सत्र में भाग लिया था। इसके एक साल बाद आप ने फरवरी 2015 में भारी वोटों से दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच खींचतान का खेल जारी है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विपक्षना में काफी रुचि है और ऐसा भी कहा जाता रहा है कि वे राजनीति से रिटायर होने के बाद अपना जीवन विपक्षना को समर्पित करना चाहते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने चेन्नई में बताया कि हड़ताल को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसे पूरे देश में बुनियादी बैंक सेवाएं प्रभावित होंगी। वेंकटचलम ने कहा कि सरकार के साथ मांगों को लेकर वार्ता विफल होने के कारण बैंक कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। उन्होंने इस हड़ताल से लोगों को होने वाली असुविधा के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने सभी खाता धारकों से अपील करते हुए कहा, हमारी मांगे वेतन बढ़ोतरी को लेकर नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा और सरकार की नीतियों के खिलाफ है। फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपए लिए थे। कर्ज न चुकाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस में वे कई बार झूठे वादे कर चुके हैं। राज्यपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में 4 दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने दिसंबर 2013 में एक न्यायाधीश की दी गई सजा बरकरार रखी और कहा कि प्रक्रिया का पालन करने में यादव की नाकामी को स्वीकारा नहीं जा सकता। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी पर सदन में अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस पर हंगामा शुरू हुआ और कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऊपरी सदन में शुक्रवार को कश्मीर हिंसा के मुद्दे को भी उठाया गया। कांग्रेस ने नकवी पर आरोप लगाए तो बाकी विपक्षी दल भी समर्थन में उतर आए। इसके बाद सदन में शोर बढ़ गया। यहाँ नीलम वैली में आज चुनावी पोस्टर्स पर कालिख पोती गई और पाकिस्तानी झंडे जलाए गए। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया, जिसमें लोगों को चोटें आई। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा वर्षों से पीओके और बलूचिस्तान में होता आ रहा है। चुनाव के बाद 21 जुलाई को मीरपुर में 3 शव और 25 तारीख को मुजफ्फरबाद से 2 शव मिले। इन शवों पर गोलियों के निशान हैं। शव के पास से जो गोलियां मिली है वह पाकिस्तानी सेना की है। लोगों का आरोप है कि चुनावों में धांधली की गई और जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाई उनको मौत के घाट उतार दिया गया। विशेष सुरक्षा दस्ते ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि 15 अगस्त को आतंकी संगठन किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में तमाम सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस बार स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। एजेंसियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उनकी सलाह को अनदेखा नहीं करेंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। यूएन की आम सभा ने इस मसले पर फैसला अगले सत्र के लिए टाल दिया है। भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी के ग्रुप 4 ने आम सभा के इस फैसले पर निराशा जताई है। भारत ने G4 देशों के साथ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सत्र में इस मुद्दे को लेकर माहौल नहीं बनाया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में ब्राजील के राजदूत ने G4 देशों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि यूएन 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में बहुत समय से लंबित सुधारों को क्रियान्वित करने में सफलता हासिल करने और 10 दिशा में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मनोहर पर्रिकर ने बगैर नाम लिए एक चैनल पर सवाल उठाया, आखिर देश के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है। एक आतंकवादी के मारे जाने पर कई चैनलों के प्रसारण में मैंने जो देखा है वह सही नहीं है, आखिर कोई कैसे ये सवाल पूछ सकता है कि इसको क्यों मारा। अब एक टेररिस्ट को नहीं मारेंगे तो किसको मारेंगे।